मथुरा में प्रयोगशाला सहायकों के वेतन में गड़बड़ झाला सामने आया है। प्रयोगशाला सहायक करीब 10 वर्ष से अधिक वेतन उठा रहे थे। इसका खुलासा एक प्रयोगशाला सहायक के सेवानिवृत्त होने पर हुआ। मथुरा की राल गोवर्धन नौजील एवं सोनई स्वास्थ्य केंद्र पर 5 प्रयोगशाला सहायकों के निर्धारित ग्रेड से अधिक वेतन दिए जाने का खुलासा हुआ है। ये सभी वर्ष 2014 से अतिरिक्त वेतन उठा रहे हैं। इन्हें 4200 रुपए की जगह 8600 रुपए ग्रेड का वेतन दिया जा रहा था। नौजील स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात प्रयोगशाला सहायक रोशन लाल सेवानिवृत्त हुए तो इसका खुलासा हुआ। शासन ने सेवानिवृत्त के उपरांत उनके पेंशन आदि दायकों को देखा तो वेतन में विसंगति पाई गई, जिसके बाद उन्होंने सीएम मथुरा की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय जांच समिति गठन कर दी गई, जो इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ग्रेड से अधिक वेतन लेने वालों में सेवानिवृत्त प्रयोगशाला सहायक रोशन लाल के अलावा राल केंद्र के राकेश दीक्षित एवं सुशील कुमार सोनई के घनश्याम जायसवाल एवं गोवर्धन स्वास्थ्य केंद्र के मिशन कुमार शामिल हैं। सीएम मथुरा डॉक्टर ए के वर्मा का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद जितना वेतन प्रयोगशाला सहायकों द्वारा अधिक लिया गया है उसकी रिकवरी की जाएगी। इसके साथ यह भी देखा जाएगा कि उन्होंने वेतन किसी शासन के चलते मिला है या इसमें किसी विभागीय लिपिक की सांठगांठ है। सर, प्रयोगशाला सहायकों के वेतन में कुछ विसंगतियाँ हैं, क्या विसंगतियाँ हैं और जांच कमेटी भी बिठाई गई है, क्या कुछ सामने आया है? एक बार यहाँ सेवानिवृत्त हो चुके हैं रोशन लाल वर्मा जी, उन्होंने इस अपने जो वेतन के संबंध में कुछ रिटायरमेंट के पश्चात एरियर की मांग की थी। उसके लिए बजट जब मांगा गया राज्य स्तर से, तो वहाँ उसका जो वेतन निर्धारण किया गया है तो उसमें कुछ उनको संशय हुआ। उस पर उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो भी हमारे प्रयोगशाला सहायक हैं उन सभी का वेतन का निर्धारण एक बार पुनः कर लिया जाए और करके यहाँ प्रेषित किया जाए ताकि निर्णय लिया जा सकते वेतन सही है अथवा नहीं। तो उसी के क्रम में एक एसयूएमओ प्रशासन की अध्यक्षता में एक हमने कमेटी बना दी है। उनका वेतन 4 ही लोग ऐसे निकल के आए हैं जो उस वेतन को जो रोशन लाल वर्मा जी ले रहे थे उसको वो पा रहे थे, और उसमें यदि विसंगतियाँ पाई जाती हैं तो उसमें रिकवरी का प्रावधान है। उन्हीं सभी से उनके वेतन से रिकवरी महानिदेशालय के निर्देश पर करा ली जाएगी। सर, 4200 की जगह 4600 ग्रेड ले रहे थे ऐसा? हाँ, इसमें कहीं ना कहीं अभी इस पर कोई कमेंट करना भी न्यायोचित नहीं होगा, क्योंकि उस समय किसी शासन आदेश का हवाला भी दिया गया है जिससे उन्होंने 4200 की जगह 4600 का वेतन मान दिया गया है, लेकिन उसी की एक बार दोबारा से परीक्षण कराया जा रहा है महानिदेशालय के निर्देशों पर एसयूएमओ प्रशासन के अध्यक्षता में, और शीघ्र ही जो है ना ये पता लगेगा कि वाकई वो महानिदेशालय से शासन आदेश जारी हुआ लिया गया है, और अगर ज़्यादा लिया जा रहा है तो इसमें कोई इशू नहीं है, रिकवरी करा करके जो भी सरकार का धनराशि है उसको वापस ले लिया जाएगा। सर, कोई विभागीय लिपिक की इसमें हो सकती है? अलग अलग केंद्रों पर तैनात है तो कोई एक लिपिक तो नहीं हो सकता। संभवतः इसमें अभी कुछ कहना भी मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि एक बार इसकी स्क्रूटनी हो जाए, स्क्रूटनी से महानिदेशालय से निर्देश प्राप्त हो जाए तभी हम बता सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है जिस पे जो है, लेकिन हाँ इसमें रिकवरी का प्रावधान है अगर ज़्यादा लिया जा रहा है तो।